मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर सीरीज में। हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए जनरल अवेयरनेस की मॉक टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कि 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारी टेस्ट सीरीज है, उनके ऊपर ये डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही लिमिटेड है, ये सिर्फ 3 दिन के लिए डिस्काउंट है। और ये हमारे कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए है, ये हमारे सीजीएल के लिए है और आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। इसमें आपको पूरे कोर्स भी मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज दोनों दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी, वो भी 50% डिस्काउंट पे। अगर आप ये ऑफ़र चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, तो आप जो ये व्हाट्सअप नंबर इसमें मेंशन है इस पे, या जो आपके सामने ये आईडी दी गई है इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ ये याद रखना कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, 19 से 21 जुलाई के लिए ही लिमिटेड है। उसके बाद आपको पूरी फीस इसकी पे करनी पड़ेगी। अगर आप ये पूरा लेना चाहते हैं, पूरा इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसकी टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी है। अगर ये आप लेंगे तो इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका पूरा अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल आप कर सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि कहने को हम 35 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करते हैं, पर मैं इतने इन्फॉर्मेशन और आपको इतने फैक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ कि हमें पता भी नहीं लगता। हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। कहने को वीडियो हमारी 30 से 40 मिनट की होती है, पर उसके अंडर हम कम से कम 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक अच्छे से देखिए और समझिए। तो इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पे कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उससे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। प्लीज़ आंसर, देवंजन आचार्य कह रहे हैं कि प्लीज़ आंसर माई क्यूरी। आप अपना कमेंट्स में हमें दे सकते हैं कि आपको क्या पूछना है, किससे रिलेटेड पूछना है। और आप लोग पूछ रहे हैं कि कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कहाँ कांटेक्ट करें। जो ये व्हाट्सअप नंबर आपके दिया हुआ था मैंने, मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे, या जो ए आईडी दी हुई है ssccgl@pinnacle.com, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज हमारे मिल जाएगी विद अ 50% डिस्काउंट। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कि इस यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए तो ये है वाराणसी में। वाराणसी में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और मदन मोहन मालवीय के बारे में है जो फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो ये हैं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, और एक ये बहुत ही महान, एक बहुत ही फेमस लॉयर भी थे अपने टाइम पे। और इनका जो मेन फोकस था वो था सिर्फ एजुकेशन के ऊपर। उस टाइम पे समाज में बहुत सी बुराइयाँ फैली हुई थी, तो इनका मानना यही था कि अगर हम अपने राष्ट्र को जागरूक करना चाहते हैं, हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन। तो इन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज़ोर दिया और उसके लिए इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको बताना कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने, ये चारों यूनिट्स किसी ना किसी से रिलेटेड हैं, तो इसका राइट आंसर आपको मुझे बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी नहीं, इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, आप बी कमेंट कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द राइट आंसर। ये क्या है, एसआई यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। और अगर बात करें इन तीनों यूनिट्स की, तो न्यूटन किससे रिलेटेड, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स, जो बल होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। वाट किसकी यूनिट होती है, ये होती है पावर की। और फेराड किसकी यूनिट होती है, ये होती है कैपेसिटेंस की। ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ये कौन सी यूनिट किससे बिलोंग करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम ए वर्ल्ड चैम्पियन इन बिलियार्ड्स। बिलियार्ड्स गेम आपको, आपने देखा होगा और जानते भी होंगे आप इसके बारे में, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया अपनी पुरानी वीडियोस में कि स्नूकर और बिलियार्ड गेम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट इंडियन थे और जो वर्ल्ड चैम्पियन बने थे इन बिलियार्ड्स, उसका नाम क्या था। तो उनका जो नाम था, जो राइट आंसर हम लेंगे, वो होगा विल्सन जॉन्स।
विल्सन जोन्स जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे और वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे बिलियार्ड्स में। इसके जो तीनों ऑप्शंस हैं ये भी बिलियार्ड से रिलेटेड ही प्लेयर्स हैं। अगर आपको इनके नाम दिए हों और आपसे पूछा हुआ है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आप इनका नाम मेंशन यहाँ कर सकते हैं। और ये जो विल्सन जोन्स जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन थे किसी भी स्पोर्ट्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड चैंपियन किसी भी खेल में किसी भी स्पोर्ट्स में कौन थे तो उसका राइट आंसर भी यही होगा, विल्सन जोन्स इज द राइट आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ अ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग। आपको बताना है कि जो ये तवांग है, तवांग जगह जो है, ये कौन से इसका डिस्प्यूट जो है वो कौन सी कंट्री के साथ है, ये इंडिया में लोकेटेड है और इसका डिस्प्यूट कौन सी कंट्री के साथ चल रहा है। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, एक तो तवांग अगर इंडिया में है तो इसका डिस्प्यूट इंडिया के साथ जो कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी जो देश है उनके साथ ही होगा। और अगर आपको पता है कि इसके पड़ोसी देश कहाँ कहाँ है तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए तवांग कहाँ पर लोकेट करता है, तवांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग है। और इसका जो डिस्प्यूट चल रहा है वो चल रहा है तिब्बत रीजन के, दैट इज ऑप्शन बी चाइना। चाइना का जो तिब्बत रीजन है और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है, इन दोनों के बीच में, इनकी बाउंड्री के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। उस डिस्प्यूट को बोला, उस वो डिस्प्यूट जो है वो हमारा चाइना के साथ है, इंडिया और चाइना बॉर्डर पे है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में कौन सा पास लोकेट करता है तो किसी पास का नाम बताना है जो इन दोनों जगहों को जोड़ता है, तो उस पास का नाम है बमला। बमला पास इनको जोड़ता है और ये तिब्बत और तवांग के बीच में डिस्प्यूटेड है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर हॉट डस्ट लेडन एंड ब्लो फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टुवार्ड्स मेडिटेरेनियन रीजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विंड्स है जो हवाएँ हैं वो बहुत गर्म होती हैं, बहुत ही गर्म धूल से लदी हुई होती, धूल वाली हवाएँ होती हैं। और वो जो सहारा का, सहारा आपको पता है कहाँ पे है, अफ्रीका में है, उसके जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ये फ्लो करती हैं। तो आपको इन विंड्स का नाम बताना है, इस विंड्स का नाम है सिरोको। सिरोको जो विंड्स होती है ये क्या होती है, हॉट डस्ट लेडन, मतलब धूल से भरी हुई हवाएं होती हैं, आंधी जैसी हवाएं होती हैं। और इनकी डायरेक्शन आपसे पूछी जाए तो इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ की तरफ। आपको पता है जो अफ्रीका है उसके साइड में कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी से ये हवाएं उठती हैं, हवाएं उठते हुए कहाँ पे जाती है, नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ साइड में जाती हैं। तो इनकी डायरेक्शन आपसे पूछी जाए तो इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ साइड में। और ये कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये अफ्रीका के रीजन में फ्लो करती हैं। लू आपको पता ही होगा जो नॉर्थ इंडिया है, हरियाणा यूपी और जो राजस्थान के एरियाज है वहाँ पे गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं उनको लू बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। फहीन क्या होती है, फहीन जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये कोल्ड विंड होती हैं। ये सब गर्म हवाएं हैं, ये ठंडी हवाएं होती हैं जो कहाँ पे चलती हैं, जो यूरोप है, यूरोप की जो सबसे बड़ी हाईएस्ट माउंटेन है उसको बोलते हैं एल्प्स, एल्प्स माउंटेन में ये रहती हैं। और एक है मिस्टल, मिस्टल भी हॉट एयर होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज़ व्हेन देयर इज़ ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड विच सिचुएशन। अगर मार्केट में कोई सामान है और उसको एक ही खरीदने वाला है और एक ही उसको बेचने वाला है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है कि एक ही खरीदने वाला हो और एक ही अगर उसको बेचने वाला मार्केट में है तो वो बायलैटरल मोनोपोली होते हैं, होती है। पब्लिक मोनोपोली क्या होती है, पब्लिक मोनोपोली को हम गवर्नमेंट मोनोपोली भी बोलते हैं। गवर्नमेंट का एकाधिकार, गवर्नमेंट का एकाधिकार, जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एरियाज जो हैं वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट मोनोपोली। और फ्रेंचाइज्ड मोनोपोली क्या होती है, फ्रेंचाइज्ड मोनोपोली के बारे में हम पढ़ते हैं कि मान लो कोई एक सेक्टर है, कार, चाहे कार सेक्टर हो या फैन सेक्टर हो, उसके अगर एक ही कंपनी का आधिपत्य है, अगर एक ही कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, एक ही कंपनी वहाँ पे है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज मोनोपोली। और ये एक टर्म है मोनोपसोनी। मोनोपसोनी क्या होता है कि अगर एक ही खरीदने वाला हो, बेचने वाले बहुत हैं लेकिन सेलर बहुत है, लेकिन उसको खरीदने वाला सिर्फ एक ही इंसान अगर सारी चीज़ें खरीद लेता है तो उसको बोलते हैं मोनोपसनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए, अगर एग्जाम में ये चारों टर्म्स पूछी जाती हैं तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वन हाफ ऑफ अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच आपने काफ़ी देखा होगा,
फुटबॉल मैच में आपको बताना है कि जो फुटबॉल मैच के आपको पता होना चाहिए कि पूरी जो गेम एक गेम होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, और दूसरा कि उसमें ड्यूरेशन जो होती है वो दो हाफ में डिवाइड होती है, आधे आधे पार्ट में डिवाइड होती है दो हाफ में। तो एक हाफ की आपको उसकी ड्यूरेशन पता होनी चाहिए। तो जो एक दो हाफ में डिवाइड होती हैं, तो एक हाफ की ड्यूरेशन वो होती है 45 मिनट्स, और दूसरे की भी 45 मिनट्स होती है। इनके बीच में जो गैप होता है, इंटरवल होता है, ब्रेक होता है, वो होता है 15 मिनट्स का। 15 मिनट से ज़्यादा इसमें गैप नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ तीन फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 45 मिनट्स। एक हाफ होता है फुटबॉल के मैच में, 45 मिनट्स का एक हाफ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल के मैच में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल एक फुटबॉल टीम में। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोह स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, आपको बताना है कि मोह पैमाने, मोह स्केल जो होती है वो किसके लिए यूज होती है, क्या मेजर करने के लिए वो यूज होती है। तो इसका राइट आंसर जो हम लेंगे वो होगा, दैट इज ऑप्शन बी, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल। किसी भी खनिज की कठोरता की डिग्री को हम क्या कहते हैं, किससे मापते हैं, मोह पैमाने, मोह स्केल से हम मापते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, जो भी हमारे अर्थ की क्रस्ट होती है, अर्थ की जो परत होती है उसके अंदर खनिज मिलते हैं। खनिज जैसे हमारे क्या क्या हम खनिज में ले सकते हैं, सॉल्ट, आयरन, कॉल, ये सब हमारे खनिज होते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। और इनको, इनकी हार्डनेस को, कठोरता को मापने के लिए जिस पैमाने का यूज होता है उसको बोलते हैं मोह पैमाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजेंद्र वन वॉज द सन ऑफ, आपको बताना है कि जो चोला एम्पायर के किंग थे, जो चोला वंश था, उसके जो राजा थे राजेंद्र वन, वो किसके पुत्र थे, उनके पिता का नाम आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज राज राजा प्रथम। राज राजा फर्स्ट जो थे वो राजेंद्र वन के पिता थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था। इनका संबंध कौन से एम्पायर से था, ये चोला एम्पायर से संबंध रखते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि चोला एम्पायर का फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर कौन था, विजयाल्य। विजयाल्य जो था चोला एम्पायर का फाउंडर था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके जो फेमस टेम्पल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे, इसके फेमस टेम्पल्स कौन कौन से हैं। तो चोला एम्पायर के दो ही फेमस टेम्पल थे, एक था बृहद ईश्वर, बृहद ईश्वर इसका एक टेम्पल था, दूसरा था गंगई कोंडा चोला पुरम, ये दो इसके फेमस टेम्पल थे। आपसे बस यही पूछा जा सकता है कि इस चोला एम्पायर के फेमस टेम्पल्स कौन से थे, और इसका फाउंडर कौन था, और जो राजेंद्र राजा प्रथम थे उनके पिता का नाम क्या था। ये तीनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइलम, आपको बताना है कि जो इन एनिमल किंगडम होता है उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, आपको पता है जितने भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन होती है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा एक फाइलम नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। तो फाइलम क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे होते हैं उनको क्या होता है कि एक रैंक दी, जैसे हमारे ऑफिशियल्स की जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक रैंक होती है, उसी के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल्स को भी एक रैंक दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वो डिफाइन होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज फंक्शंस होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। तो वो रैंक जो होती है उसका एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे एनिमल है, ये क्या होता है, ये किंगडम है। हमारे पास दो टाइप के किंगडम होते हैं, एक होता है एनिमल किंगडम जिसमें एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, प्लांट किंगडम जिसमें प्लांट की जाती है। तो इसकी जो वो सीरीज होती है वो हम एक बार जान लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है। आप सिर्फ ये 7 चीज़ें याद रखिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। जो इसका फर्स्ट ऑर्डर होता है वो होता है किंगडम, किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम, जो फाइलम आप यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद आती है क्लास, क्लास के बाद आती है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आती है स्पीशीज। ये ऑर्डर आपको सिर्फ याद रखना है। अगर आपसे इसकी सीरीज पूछी जाती है, बहुत से एग्जाम में इसकी सीरीज पूछी जाती है कि कौन सा किसके बाद आता है, तो आपको सिर्फ ये 7 चीज़ें याद रखनी है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको बताना है इनमें से कौन सा एक फाइलम नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज सिलोमेट्स। जो सिलोमेट्स होते हैं वो एक फाइलम नहीं है। तो सिलोमेट्स क्या होते हैं, अगर वो फाइलम नहीं है तो वो क्या होते हैं, सिलोमेट्स क्या होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, एक ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, सिलोम प्रेजेंट होते हैं। सिलोम क्या होते हैं, सिलोम एक कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे एनिमल्स की बॉडी के अंदर,
उसमें क्या होता है कि बाहर से कोई भी अगर उनकी बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है या बाहर से उन्हें कोई दबाव डल रहा है, तो जो सिलोम होता है वो उनको शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करती है। जो शॉक बाहर से मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि एनिमल्स की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। जरा सा उसको दबाएंगे या उसको चोट लगती है तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं तो बहुत इफेक्ट होता है। तो सिलोम का फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो जिन एनिमल्स के अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं सिलोमेट्स। सिलोम का फंक्शन आपको पता लग गया कि प्रोटेक्ट करता है, तो जो एनिमल्स सॉफ्ट होंगे उन्हीं को प्रोटेक्ट करेगा ना। तो सिलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उनके अंदर सिलोम पाया जाता है। ये आंसर आपको क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू। आपको बताना है कि जो काउंसिल होती है, विधान परिषद जिसको हम बोलते हैं, उसके सदस्य जो होते हैं उनको अगर अपना इस्तीफा देना हो, रिजाइन करना हो, तो इस्तीफा किसको सौंपते हैं, किसको सबमिट करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज चेयरमैन। इसमें जो फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं वो ये हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आपको पता होगा हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा एक होता है लोकसभा। राज्यसभा जो होता है अपर अपर हाउस होता है, उछला सदन होता है, जो लोअर हाउस होता है निचला सदन उसको बोलते हैं या लोअर हाउस उसको बोलते हैं। ऐसे ही हमारे स्टेट के अंदर भी होता है, स्टेट में जो ऊपर वाला सदन होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो नीचे वाला सदन होता है उसको बोलते हैं असेंबली। तो हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी एज कितनी, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए नॉमिनेशन के लिए, तो 30 ईयर्स। आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है कि 30 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए और उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, वो होता है 6 साल के लिए। और असेंबली का कार्यकाल पूछा जाए और एज पूछी जाए तो असेंबली की एज होती है 25 ईयर्स और इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। इससे बस यही फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुरियर सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर। आपको बताना है जो ये कुरियर सर्विस होती है, जो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से जो सामान मंगवाते हैं, वो डिलीवरी सर्विस जो होती है उसको बताना है कि वो कौन से सेक्टर के अंदर आती है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था जो हमारी इंडियन इकोनॉमी होती है वो 4 सेक्टर्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड क्वार्टनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि कोई भी किसान है अगर जब वो फसल उगाता है तो जो रॉ मटेरियल जो होता है, फसल उगाई उसने फसल को हार्वेस्ट के सीजन के बाद वो फसल को कलेक्ट हो जाती है, तो उसको वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। फिर उस फसल को जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती हैं, वो आती है हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शरी में क्या होती है, उन प्रोडक्ट्स को जो हम हमारी शॉप्स हैं या मॉल्स हैं या जो भी हमारी शॉपिंग साइट्स हैं उनसे हम जब वो सर्विस लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। और क्वार्टनरी सेक्टर क्या होता है, जो भी हमारे रिसर्च होते हैं उसको क्वार्टनरी सेक्टर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुरियर सर्विस होती है हमारी, जो हमारी कुरियर सर्विस होती है, जस्ट मिनट, जो हमारी कुरियर सर्विस होती है वो आती है हमारे टर्शरी सेक्टर में, दैट इज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्शन किसका होता है, सर्विस का प्रोडक्शन होता है और जो एक्सचेंज होता है वो भी सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। सर्विसेज मतलब सेवाएं जो हम लेते हैं उनको हम सर्विसेज बोलते हैं और वो आती है टर्शरी सेक्टर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने कि हु पायोनियर डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। आपको बताना है जो अल्ट्रासाउंड आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, इनर बॉडी को हमारी स्कैन करते हैं, तो वो उसकी खोज किसने की थी, इसका नाम आपको बताना है कि किसने उसकी खोज की थी। जो इसका राइट आंसर हम लेंगे वो लेंगे हम इयान डोनाल्ड। इयान डोनाल्ड ने अल्ट्रासाउंड की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, तो इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, और इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अखाड़ा। आपको बताना है कि जो ये बुक लिखी गई है अखाड़ा, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, आत्मकथा, महावीर सिंह फोगाट को आप जानते ही होंगे। तो आपको बताना है कि जो ये बुक लिखी है इसका लेखक कौन है, ये आपको हमें बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज सौरभ दुग्गल। सौरभ दुग्गल इज द राइट आंसर। इन्होंने ये बुक लिखी है अखाड़ा, जो कि फोगाट सिस्टर्स आप जिनको जानते हैं उनके फादर की ऑटोबायोग्राफी है। आपने मूवी भी देखी हुई दंगल, ये उसी से रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है कि जो ओजोन लेयर होती है,
हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में कौन कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ओजोन डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेप्टेम्बर 16 को हमारा ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन के बारे में आपसे यही पूछ सकते हैं कि ओजोन एटमोसफेयर में कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे प्रेजेंट होती है। और अगर इसका फंक्शन आपसे पूछा जाए तो इसका फंक्शन ये है कि जो हमारी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, ये क्या करती है, स्किन कैंसर करती हैं। ये तीनों फैक्ट्स इस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वॉज पास्ड एट लाहौर कांग्रेस इन द ईयर। आपको बताना है कि जो पूर्ण स्वराज था, संकल्प था, वो कौन से ईयर में पारित किया गया था, ये आपको हमें बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हम लेंगे, दैट इज ऑप्शन ए 1929। तो पूर्ण स्वराज क्या होता है कि सेल्फ रूल, जो खुद की गवर्नमेंट होती है, खुद का शासन होता है, सेल्फ रूल जो होता है उसको पूर्ण स्वराज बोलते हैं। और ये कहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेशन में या कांग्रेस के कौन से सेशन में इसको पारित किया गया था, तो इसका आंसर होगा लाहौर सेशन में इसको पारित किया गया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके उस समय लाहौर सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। यही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेप वॉर्म। आपको बताना है कि जो टेप वॉर्म होता है वो इनमें से, उसको टेप वर्म को क्या बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है टीनिया। जो टीनिया होता है उसको हम टेप वर्म भी बोलते हैं। तो टीनिया क्या होता है, टेप वर्म क्या होता है, एक पैरासाइट होता है, एक वर्म होता है, कीड़ा जिसको बोलते, कीड़ा होता है। इसकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है, सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। और ये कहाँ मिलता है, कुछ कुछ एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन होती हैं, आते होती हैं जो, उसके अंदर ही मिलता है। और इसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन एनिमल में होता है। तो यही फैक्ट्स इसमें हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वायसरॉय ऑफ। आपको बताना है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में वायसरॉय कौन थे, तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज माउंट बैटन। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि उस समय भारत का विभाजन या भारत आज़ाद जब हुआ था वो कौन से प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था, माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन उस समय में वायसरॉय थे। वो अगर आपसे पूछा जाए कि वो लास्ट वायसरॉय भी थे इंडिया के, ये टर्म आपको याद रखनी है कि जो लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो माउंट बेटन है। और आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये दो चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया। इस इंडिया का मतलब है जब वहाँ पे ब्रिटिश का शासन था तब वो इंडिया था, और इंडिपेंडेंट इंडिया जब इंडिया आज़ाद हुआ, ब्रिटिश का शासन खत्म हुआ, तो इंडिपेंडेंट इंडिया। उस समय फर्स्ट गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो वो थे माउंट बैटन, और लास्ट वॉइसरॉय भी आपसे पूछा जाए तो वो भी माउंट बैटन थे। माउंट बैटन 3 जून 1947, ये डेट आपको याद रखनी है। ये इस डेट को माउंट बैटन जो प्लान है वो पारित हुआ था, वो प्लान सक्सेसफुल हुआ था। और इस प्लान के अकॉर्डिंग जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान में, वो इसी प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। आपको बताना है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेजिडेंट। जो हमारे प्रेजिडेंट हैं वो इसके इनके जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसके साथ मिलकर करते हैं। तो हमारे पास एक 1998 में एक केस आया था, उस केस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या वो दिया था अपना जजमेंट, ये दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी हेल्प से करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और प्लस उनके साथ में तो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस हैं। तो सबसे सीनियर 4 जजेस हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट, इन सबको मिलके हम क्या बोलते हैं, कोलेजियम। कोलेजियम सिस्टम ये होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलेजियम सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है।
और उससे पूछा जाए कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ये तीनों प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फोर सीनियर जजेस, ये चारों आपको, ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसको हम कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसमें ये जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी एज अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम एज कितने एज तक वो काम करते हैं, तो 65 ईयर्स तक वो काम करते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट, तो उनकी एज होती है 62 ईयर्स। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। और हमारे जो एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसका राइट आंसर क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वॉज ऑफ 4 ईयर्स ओनली। आपको बताना है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान में कौन सा 5 ईयर प्लान ऐसा था कि जो सिर्फ 4 सालों के लिए था। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है 5 सालों के लिए प्लान होता है, लेकिन वो जो प्लान था वो सिर्फ 4 सालों के लिए था। ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लान था। तो जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था, 5वां 5 ईयर प्लान था, जो 1974 से 1979 के बीच तक था। तो ये जो प्लान था, ये क्या हुआ था कि उस समय जो इंडिया में गवर्नमेंट थी, जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, उनकी गवर्नमेंट थी। तो उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस प्लान को 1978 में ही कैंसिल, रद्द कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। और 1978 में ही 6th 5 ईयर प्लान उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक ऐसा प्लान है जो सिर्फ 4 सालों के लिए हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 1950 में। तो 5 ईयर प्लान में होता है क्या है कि जो भी इंडिया के डेवलपमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, वो अगले 5 साल के लिए डिसाइड की जाती है। एक टारगेट बनाया जाता है कि अगले 5 साल में हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, ये ग्रोथ हमें अचीव करनी है, उसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम इज लोकेटेड लोकेटेड इन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था इसके बारे में, तो ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इससे राइट आंसर होगा चेन्नई। महाबलीपुरम कहाँ है, चेन्नई के अंदर लोकेटेड है। और इसके इसके बारे में एक दो फैक्ट्स जानते हैं कि ये किसके लिए फेमस है। तो ये रॉक कट, जो पत्थरों को तोड़ के जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं, उसके लिए फेमस है। और जो द्रौपदी का रथ, द्रौपदी रथ और अर्जुन रथ, वो तो दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट सेंटर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच प्लेस इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। आपको इनमें से चार आपको सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सिटी है जो वाटर डिवाइड, जहाँ पानी, जहाँ पे ये सिटी लोकेट है, ये डिवाइड करती है वाटर सिस्टम को, इंडस और सिंधु नदी और गंगा नदी के वाटर सिस्टम को ये डिवाइड करती है, पानी को डिवाइड करती है। और जो ये सिटी है इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दैट इज सी अम्बाला। अम्बाला इन हरियाणा इज द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। आपको बताना है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता होगा कि एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक रिएक्शन में रिलीज होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की प्रोसेस, रिलीजिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का नाम आपने बहुत सुना होगा केमिस्ट्री में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी एक रिएक्शन होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज होते हैं, लूज करते हैं, तो वो होती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर एक्सेप्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, तो वो होती है रिडक्शन। तो जो एजेंट होता है ऑक्सीडेशन के अंदर, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस, जो रिडक्शन होती है, उसके अंदर जिस एजेंट का रिडक्शन होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपोजिट होती है, आपको याद रखनी है। और इलेक्ट्रॉन लूज जहाँ पे करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, तो वो होती है रिडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। आपको बताना है कि जो हमारा प्रीएम्बल है, जो संविधान की प्रस्तावना है, और जब उसका प्रस्तावना की गई थी, उस समय इनमें से कौन कौन से जो
आदर्श हैं वो शामिल नहीं थे, उनको बाद में अमेंडमेंट संशोधन के थ्रू उनको ऐड किया गया था। आपको उनके नाम, उनका नाम आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को जो प्रियम्बल होता है उसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। जो हमारा संविधान होता है उसका जो बेस होता है वो प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक नया लॉ बनाते हैं, लागू करते हैं, तो उसका एक आप प्रस्तावना बनाते हैं, एक पूरा समरी टाइप, मतलब एक वो बनाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन हमें डालने हैं, तो वो प्रस्तावना होती है। तो जो प्रियम्बल है उसका, उसमें 1976 में 44th अमेंडमेंट एक्ट उसमें लाया गया था। उसके अंदर तीन नए वर्ड्स उसमें ऐड किए गए थे, तीन वर्ड्स ऐड जो किए गए थे वो हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी, सॉरी इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड आपको याद रखना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये 1976 में बाद में ऐड किए गए हैं, तो इन तीनों वर्ड्स को आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र आफ्टर होली फेस्टिवल। आपको पता है कि चैत्र, चैत्र का महीना क्या होता है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो पहला महीना हम मानते हैं वो चैत्र का महीना मानते हैं, जो मार्च से अप्रैल के बीच में स्टार्ट होता है और होली के अगले दिन से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जो चैत्र का महीना आता है उसके पहले दिन ही मनाया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हम लेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, गणगौर। गणगौर जो फेस्टिवल है ये होली के अगले दिन ही मनाया जाता है, चैत्र माह के पहले दिन पे, और ये 18 दिन का एक त्यौहार होता है और ये मार्च से अप्रैल के महीने के बीच में इसको मनाया जाता है। और ये कौन कौन से स्टेट, अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणगौर। राजस्थान के साथ साथ के MP, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इनमें भी ये मनाया जाता है, लेकिन जो सबसे राजस्थान का ये सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। इसको लोग बड़े ही चाव से मनाते हैं, जो लेडीज़ होते हैं बड़े चाव से मनाती हैं, व्रत वगैरह इसमें रखे जाते हैं, काफ़ी फास्ट रखते हैं। तो गणगौर का मतलब क्या होता है कि गणगौर, गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है गौरी। इसमें जो पूजा की जाती है शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। और आपसे स्टेट पूछा जाए कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, कौन से स्टेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल ये है, तो वो है राजस्थान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव। क्लोव आपको पता है क्या होता है, इलायची। जो क्लोव हमारी होती है, सॉरी लौंग, लौंग को हम क्लोव बोलते हैं। तो क्लोव के जो तेल होता है उसका यूज़ किस में होता है, तो आपको ये हमें बताना है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑयल क्लोव है वो यूज़ किस में होता है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट होता है जिससे मिलके वो बना होता है, उस एक्टिव कंपोनेंट का आपको नाम पता होना चाहिए। तो इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है ऑप्शन बी, यूगेनॉल इज़ द राइट आंसर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके अंदर इसको यूज़ में लेते हैं, तो जो ये क्या करता है, जो हमारा खाना है उसको स्पॉइल होने से बचाता है, टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने को ख़राब होने से बचाता है। और ये इसको डॉक्टर्स भी काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो सूजन वगैरह आ जाती है वहाँ भी इसको लगाया जाता है घरों में। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज K2। K2 जो हमारी है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया की पहली सबसे हाइएस्ट पीक कौन सी है, तो वो आप सभी को पता भी होगा कि माउंट एवरेस्ट हमारी सबसे ऊंची चोटी है। और सेकेंड नंबर पर बात करते हैं तो K2 आती है हमारी। K2 आपसे पूछा जाए कि लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये ज़्यादातर लोकेटेड है। और इंडिया में कहाँ पे है, जो हमारा POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ से ये होकर गुजरती है। तो और जो तीसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा तीसरी सबसे बड़ी चोटी है जो सिक्किम में लोकेट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू गेट स्मार्ट टॉयलेट। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सिटी है, फर्स्ट इंडियन सिटी है जहाँ पे स्मार्ट टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज चेन्नई। जो चेन्नई हमारी है वहाँ पे स्मार्ट टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। स्मार्ट टॉयलेट्स क्या होते हैं, इनमें जो हम फ्लश का जो सिस्टम होता है ये ऑटोमेटिक होता है,
और इसमें क्या होते हैं, इको सेंस टॉयलेट होते हैं। इको सेंस क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इनमें ये क्यों लगा टॉयलेट्स में वो नहीं होती है, क्योंकि ये इनमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी वो वेस्टेज वेस्ट है वो ऑटोमेटिक जो बैक्टीरिया की हेल्प से वो डिग्रेड हो जाता है, और उसमें पानी का यूज़ नहीं होता है। तो ये बेसिकली इनका यूज़ जो है, एक तो ये कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और दूसरा ये कि पानी की बहुत बचत इनमें होती है, इसलिए ये लगाए गए हैं चेन्नई के अंदर। देखिए, मैंने आपको पहले भी ऑफर दिया था कि हमारे जितने भी कोर्सेज या टेस्ट सीरीज है सीजीएल की और आरआरबी की, उन पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या जो आपके सामने ये SSCCGLPinnacle.com है, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर आप ये याद रखिए, जो ये ऑफर है सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। 19 से 21 जुलाई के बीच में आप इस ऑफर को ले सकते हैं, और इससे आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज दोनों चीज़ें आपको 50% डिस्काउंट पर मिलेंगी। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन अर्जेंटीना। आपको बताना है कि जो अर्जेंटीना है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते हैं कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये आपको हमें बताना है। तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बी बता रहे हैं आप लोग, नहीं, इसका आंसर बी नहीं होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ ये देवंजन आचार्य क्या पूछ रहे हैं, TST। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप क्लियर लिखिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर होगा स्पेनिश। तो अर्जेंटीना के बारे में आपसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल है ब्यूनोस एरिस जो है अर्जेंटीना की कैपिटल है। और ये कहाँ पे, अर्जेंटीना अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो ये यूएस के अंदर है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लॉक जॉ इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। आपको बताना है कि जो लॉक जॉ, जो हमारे जॉज प्रेजेंट होते हैं, अगर वो लॉक्ड हो जाते हैं, हमें मुंह खोलने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, बताइए आप कमेंट कीजिए जल्दी से मुझे बताइए। आंसर ए आप दे रहे हैं, जी नहीं, इसका आंसर ए नहीं होगा राहुल कुमार, ये इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी, दैट इज टेटनस। टेटनस इज द राइट आंसर। टेटनस में क्या होता है कि जो हमारे दोनों जो जोज होते हैं, हमारा मुंह बंद हो जाता है, लॉक्ड हो जाते हैं वो, और मुंह खोलने में हमें बहुत दिक्कत होती है, तो ये इस कंडीशन में होता है। तो टेटनस में अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है टेटनाई, एक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर चला जाता है और वो इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे कि हमारे जो माउथ की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो मसल्स के वीक होने के बाद जो होता है कि ये कंडीशन क्रिएट होती है, और इसको हम बोलते हैं टेटनस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्टियोरेरी। आपको बताना है कि जो सर्टियोरेरी होता है उसका मतलब क्या होता है। ये टर्म्स आपके सामने दी हुई हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है कि सर्टियोरेरी जो होता है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो जो सर्टियोरेरी होता है ये क्या होता है, ये एक टाइप की रिट होती है। रिट आप जानते हैं, रिट कौन लिखता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट लिखते हैं, सिर्फ हमारे कोर्ट ही। रिट का मतलब क्या होता है, कमांड देना, आदेश देना। जब कोई भी गवर्नमेंट कोर्ट अथॉरिटी या कोई भी डिपार्टमेंट अथॉरिटी या हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो किसी को कमांड देते हैं, जैसे आपने सुना होगा वारंट निकला है या स्टे लगा है, समन दिया गया है, तो वो क्या होता है, एक कमांड होता है, एक आदेश देना होता है, वो कोर्ट देते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं रिट। जो सर्टियोरेरी होता है एक रिट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपसे मान लो कोई काम है, गवर्नमेंट आपका कुछ काम चल रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसकी जानकारी हमें दे, जैसे आधार कार्ड हमारा होता है, कोई भी अकाउंट की जानकारी चाहिए होती है तो उसमें लिंक्ड होती है, तो वैसे अगर गवर्नमेंट को आपसे कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो इस रिट का यूज़ करते हैं। जो हमारे जजेस होते हैं वो रिट ये लिख के देते हैं, और उसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, इसका ये मतलब होता है। अब देखिए, एक रिट है हमारी टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी के शरीर सशरीर प्रस्तुत करना। मतलब मान लो किसी केस में कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ हुई और आपको पुलिस वाले पकड़ के ले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पुलिस वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कितनी भी दिन तक वो जेल के अंदर रख सकते हैं, उनको क्या होगा, 24 घंटे के अंदर
आपको जो जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा वहाँ पे, उसके जज के सामने आपको प्रस्तुत करना होता है। तो इस रिट को हम क्या बोलते हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब आपको वो जेल में नहीं रह सकते हैं, आपको जज के सामने प्रस्तुत करना ही होगा, फिर जो जजमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंग आप पे कार्यवाही होगी। टू फॉरबिड, फॉरबिड क्या होता है, प्रोहिबिशन, इसको इस रिट को बोलते हैं प्रोहिबिशन, क्षमा करना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द कैपिटल ऑफ जाम्बिया इज, आपको बताना है कि जो जाम्बिया है उसकी राजधानी क्या है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। तो जाम्बिया का जो कैपिटल है उसका नाम है लुसाका, लुसाका इज द कैपिटल ऑफ जाम्बिया। और आपसे अगर ये पूछा जाए, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जस्ट अ मिनट, आपसे पूछा जाए कि इसकी कैपिटल क्या है, जाम्बिया की कैपिटल आपको बतानी है तो ये है। और अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जाम्बिया की करेंसी क्या होती, तो इसकी करेंसी है जाम्बियन, जाम्बियन कवाचा, ये इसकी करेंसी है, ये आपको इसमें याद होना चाहिए। दोनों ही फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द लीड कैरेक्टर इन द मूवी द बैंडिट क्वीन इज परफॉर्म्ड बाय, आपको बताना है कि जो ये मूवी है इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर निभाया है द बैंडिट क्वीन का, वो कौन सी एक्ट्रेस ने इसमें निभाया है। तो जिसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, सीमा विश्वास ने इसे कैरेक्टर निभाया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मूवी है किसके कैरेक्टर पे, आपने नाम सुना होगा फूलन देवी का, फूलन देवी की जो लाइफ स्टोरी है उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है, इसने काफ़ी अवार्ड्स भी इस मूवी ने जीते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द वाइट टाइगर, आपको बताना है कि एक नॉवल है द वाइट टाइगर, उसके बारे में आपको बताना है, तो उसके ऑथर कौन है, उसका लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हम लेंगे वो लेंगे ऑप्शन दैट इज बी, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा जो है वो इसके ऑथर हैं द वाइट टाइगर के। अब आते हैं इसमें बाकी और कुछ फैक्ट्स हैं नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखिए कि ओजोन इज एन, आपको बताना है कि जो ओजोन है वो इनमें से क्या है ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि ओजोन क्या होती है, ओजोन किससे मिलके बनी होती है, ओजोन क्या होती है, फॉर्मूला हम लिखते हैं O3। O3 क्या होता है, ये एक ट्राई एटोमिक होता है, मतलब तीन एटम से मिलके बना होता है, ऑक्सीजन के तीन एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनसे मिलके बना होता है ओजोन। ओजोन किसकी फॉर्मेशन करता है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन करता है। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जल्दी से बताइए आप मुझे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। आप कमेंट्स दे रहे हैं क्या, ऑप्शन बी नहीं, आइसोटॉप नहीं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए दैट इज एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि आपको पता है डायमंड और ग्रेफाइट दोनों किसके एलोट्रॉप हैं, दोनों में क्या एक कॉमन चीज़ है जो प्रेजेंट होती है, तो वो होती है कार्बन। तो इसको हम क्या बोलेंगे डायमंड और ग्रेफाइट को, कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आप समझ गए कि एलोट्रॉप का मतलब क्या है, कि एक ही एलिमेंट को अगर दो से ज़्यादा फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। आइसोटॉप क्या होता है, केमिस्ट्री में आइसोटॉप क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोटोन, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार जैसे बता रहे, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो आइसोबार क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, जिन कंपाउंड्स का एलिमेंट्स का प्रेशर सेम होता है उनको हम बोलते हैं आइसोबार, प्रेशर इज सेम। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका सबका प्रेशर सेम होता है उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स हम बोलेंगे। और ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, एलोट्रॉप है। ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है, ओजोन हमारी प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, कल मिलते हैं इसी टाइम पे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। एंड थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे।